रेनो मोटर्स ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर को इंडिया में लाकर इसके सेगमेंट में काफी कंपटीशन बढ़ा दिया है। रेनो मोटर्स ने काइगर में काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ फीचर्स की कमी है जो कि इसे अपने सेगमेंट में बाकी एसयूवी से पीछे रखती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं टॉप 5 नेगेटिव पॉइंट्स और फीचर्स की कमियों को कवर किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, डीजल इंजन। रेनो मोटर्स ने अपनी काइगर एसयूवी को सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल कराया है, जिनमें की 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। वहीं इस सेगमेंट में इसके लगभग सभी कॉम्पिटिटर्स में पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन भी अवेलेबल है। जो लोग पेट्रोल इंजन कार से ज्यादा डीजल इंजन कार को परचेज करना चाहते हैं, वो लोग रेनॉल्ट काइगर को चूज नहीं करेंगे। नंबर 2, फॉग लैंप्स। रेनो काइगर का फ्रंट लुक काफी अग्रेसिव है, लेकिन इसके फ्रंट पोर्शन में सिर्फ LED DRLs एंड LED हेडलैम्प दिए गए हैं, जबकि इसमें फॉग लैंप्स लगाने के लिए कोई एडिशनल स्पेस भी नहीं दिया गया है। हालांकि फॉग लैंप्स का न होना इसके लुक पर कोई असर तो नहीं डालता, लेकिन इनके ना होने से भी कस्टमर का अट्रैक्शन इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ जा सकता है। नंबर 3, सनरूफ। आज के टाइम में लगभग सभी अपग्रेडेड और लेटेस्ट कार्स में सनरूफ एक मेन फीचर है और हर सेगमेंट की गाड़ी में अवेलेबल भी है, लेकिन काइगर में इसकी कमी सीधे तौर पर देखी जा सकती है। अगर प्राइस एंड प्लेटफॉर्म से सनरूफ के बारे में बात करें तो निसान मैग्नाइट भी इसी प्लेटफॉर्म एंड प्राइस पर सनरूफ के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। नंबर 4, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। रेनो काइगर के कॉम्पिटिटर्स में लगभग हमें सभी के अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जिसमें कि हम जियो फेंसिंग, गाड़ी की हेल्थ एंड प्रेजेंट सिचुएशन के साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी कनेक्टिविटी के सहारे अपने मोबाइल फोन पर चेक कर सकते हैं। लेकिन रेनो काइगर में हमें इसकी कमी सीधे तौर पर देखने को मिलती है, जो कि सबसे बड़ी कमी भी हो सकती है। नंबर 5, रेनो लोगो। रेनो मोटर्स का लोगो तो काफी शानदार है एंड इसकी कार्स के लुक पर ये काफी सूट भी करता है, लेकिन काइगर के फ्रंट पोर्शन के लुक पर ये लोगो को ज्यादा ही बड़े साइज का दे रखा है। रेनो का लोगो काइगर के फ्रंट पोर्शन को 2 भाग में डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके फ्रंट लुक को थोड़ा कमजोर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेनो काइगर के इन नेगेटिव पॉइंट्स से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड और भी इसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।